हेलो फ्रेंड्स, मैं जमील खान और हमारे चैनल जमील आर्ट वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हीरो CBZ बाइक की वायरिंग की डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं कि वायरिंग में अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो वायरिंग की जानकारी आपको होगी तो वायरिंग आसानी से आप चेक कर पाएंगे और आसानी से सही कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको जो CBZ एक्सट्रीम बाइक है उसकी वायरिंग की पूरी डिटेल देने वाला हूं, एक एक तार की जानकारी दूंगा कि कैसे आप कौन सा तार कहां लगा और चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हो, किस वायर से क्या चीज़ वर्क करती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि जो और वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो वीडियो को आप देखिए और उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो करंट जनरेट होता है वो सबसे पहले यहाँ से ही जनरेट होता है, उसके बाद ही पूरी गाड़ी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की साइड बढ़ेंगे। ठीक है, और उस बीच में जो भी वायरिंग, जो भी तार, जो सॉकेट आएंगे उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो देखिए, जो यहाँ से स्टार्ट होती वायरिंग, यहाँ पे पहले कौन कौन से कपलर हैं उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये वाला जो एक वायर है ब्लू और वाइट, और इस साइड से ब्लू और येलो है। ठीक है, तो ये जो वायर है ये पिकअप कॉइल का है और ये डायरेक्टली CDI में गया हुआ है। तो CDI में डायरेक्ट जाता है और उससे ये गाड़ी स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वायर है जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये करंट का वायर है। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो जब मैग्नेट से या अल्टरनेटर से जो करंट बनता है वो इस वायर में आता है और इस वायर के थ्रू यहाँ सीधा RR यूनिट में जाता है, तो उससे करंट बनता है और उसी से बैटरी चार्ज होती है और उसी से लाइट वगैरह जलती है। ठीक है, और दूसरा जो ये वायर दो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर के, ये तो सबको लगभग पता ही होता है, फिर भी बता देता हूँ कि ये ग्रीन वायर जो होता है ये अर्थ का होता है। तो बॉडी में जो भी अर्थ की ज़रूरत होती है वो ग्रीन वायर से पूरी होती है और इसकी अर्थ जो है बॉडी में भी रहती है, बॉडी में भी टाइट रहता है। एक और वायर बॉडी में टाइट होगा वो मैं अभी दिखाऊँगा बाद में। तो ये ग्रीन वायर हो गया, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब एक वायर ये है, तो देखिए ये रेड और हल्का सा ग्रीन जो वायर होता है ये है उसका न्यूट्रल लाइट का। ठीक है, न्यूट्रल स्विच से यहाँ से आया हुआ है और ये वायर डायरेक्टली मीटर में चला जाता है ताकि जो मीटर में न्यूट्रल लाइट जलती है वो इसी वायर से काम करती है और इसी से जलती है। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न में यहाँ भी आता है इसके पास, ये एक माइक्रो रिले है, ये रिले काम करता है आपकी गाड़ी का जो क्लच स्विच है उससे ये कनेक्ट रहता है। इसका एक वायर जो ये वाला ये रिले में चला गया सेल्फ रिले में, और एक जो है वायर ये आया हुआ है वहाँ से आगे से, तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये न्यूट्रल लाइट का स्विच है और ये वाला रिले में चला गया यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये एक ब्लैक कलर का सॉकेट है, इसमें दो वायर हैं, तो इसमें देखिए जो एक है ग्रीन और येलो, ये ग्रीन येलो बैक लाइट का है और ये ब्लैक जो वायर है इसमें करंट आता है 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का करंट इस वाले वायर से स्विच के अंदर जाता है और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इस वाले वायर से जो कि ग्रीन और येलो है इस वाले वायर से आउटपुट निकल करके बैक लाइट में जाता है, उससे बैक लाइट जल जाती है। ठीक है, तो इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब देखिए, यहीं पर एक ये सॉकेट लगा हुआ है, ये है आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर इसको बोलते हैं। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर में ये तीन वायर हैं, तो एक जो ये ग्रीन वाला वायर देख रहे हैं ये है अर्थ का, और जो ये वाले येलो और रेड और येलो ग्रीन है ये हैं सेंसर के, जो कि सेंसर की रीडिंग को बताते हैं कि थ्रोटल की पोजीशन क्या है, इस समय थ्रोटल खींचा हुआ है या थ्रोटल नहीं खींचा हुआ है, या खींचा है तो कितना खींचा है, इसके बारे में ये जो वायर हैं ये सेंसर जानकारी देता है। और वायरों के थ्रू ये जानकारी सीधा CDI यूनिट में जाती है और उससे CDI फिर डिसाइड करती है कि कितना करंट कितने लेट में या फिर कैसे देना है, तो उसके हिसाब से टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होती है CDI की वजह से। तो यहाँ मैंने आपको इतना बता दिया। अब इसके बाद CDI पे आ जाते हैं और CDI से जो तार गए हैं या आए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो दो वायर हैं ये मैंने आपको अभी बताया कि जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर में यही वाले वायर गए हैं, ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर के दोनों वायर हैं,
येलो रेड और येलो ब्लू, वो देखिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे तो ये जो है ये टोटल पोजीशन सेंसर के वायर हैं। अब ये चार वायर हैं, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए जो ये रेड और ब्लैक वायर है, ये है इसमें करंट का, 12 वोल्ट का करंट इसमें आता है। जब आप चाबी ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, और उससे जब चाबी ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट का इसमें करंट आता है, CDI में जाता है, उसके बाद ही CDI वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला वायर है, ये ग्रीन कलर का वायर है, तो ये बॉडी अर्थ है, तो CDI को अर्थ चाहिए होता है, तो ये अर्थ यहाँ से इसको मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वायर है, ये पिकअप कॉइल का है, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था, तो ये पिकअप कॉइल का वायर है। इसमें पिकअप कॉइल का जो सिग्नल होता है वो इससे आता है, CDI के अंदर जाता है। उसके बाद जो ये वाला वायर आप देख रहे हैं, येलो और ब्लैक, तो येलो और ब्लैक जो वायर है ये है HT कॉइल का, जो HT कॉइल में करंट जाता है वो इस वायर के थ्रू जाता है, और HT कॉइल या हाई डेफिनेशन कॉइल इसको बोल सकते हैं, और इग्निशन कॉइल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायर इतने मैंने आपको बता दिए। अब एक वायर जो ये निकला हुआ है येलो और ग्रीन, अभी इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको बताते हैं, ठीक है। अब ये कपलर एक यहाँ पे है, इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए इसमें दो वायर हैं, एक ग्रीन और एक येलो वाइट, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये है हमारा फ्यूल मीटर का, ये फ्यूल मीटर का वायर है। तो फ्यूल मीटर में जो वायर होते हैं वो एक ग्रीन होता है अर्थ का, और उसके बाद फ्यूल यूनिट सिग्नल देता है, अर्थ सिग्नल देता है इस वाले वायर से, ये डायरेक्टली मीटर में चला गया, जो येलो और वाइट कलर का वायर है ये डायरेक्टली मीटर में चला गया है। तो उससे फ्यूल मीटर काम करता है, और उससे पता चलता है कि फ्यूल मीटर बताता है कि कितना फ्यूल गाड़ी के अंदर बचा हुआ है टैंक में, ठीक है। तो देखिए अब इस साइड की जो वायरिंग है रिले से लेकर के बैटरी और चार्जर तक, वो आपको बताते हैं। उस तरफ की जो वायरिंग थी वो मैंने आपको बता दी, अब इस तरफ की समझ लीजिए। देखिए इस रिले में चार कपलर हैं, चार तार का कपलर है ये, और इसमें चार वायर हैं, और एक वायर बैटरी से इसमें आया हुआ है, और दूसरी साइड यहाँ से आउटपुट इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो जो ये वाला वायर है इसमें डायरेक्टली करंट 12 वोल्ट का रिले के अंदर आता है, और उसके बाद इस जब सेल्फ बटन दबाते हो तो इस वाले वायर से बाहर जो है निकलता है और रिले के अंदर जाता है, तो उससे गाड़ी स्टार्ट होती है। उससे पहले जो ये वायर जो चार तार देख रहे हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए एक वायर जो ये वाला है वायर, इस वायर से 12 वोल्ट का करंट इसके अंदर आता है रिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद इस वाले वायर से 12 वोल्ट का करंट वापस आउटपुट जाता है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है इस वाले फ्यूज बॉक्स में। ये देखिए 10 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, और यहीं से डायरेक्टली जो इसका एक तार है वो गया है चाबी स्विच में, ठीक है। तो यहाँ से चाबी स्विच में चला गया है, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट चाबी स्विच का है वो मैं बताता हूँ कि कौन सा है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि इस वाले वायर से करंट इसके अंदर आता है और इससे बाहर जाता है। गाड़ी में जो सप्लाई होती है करंट की, वो इस वाले वायर से होती है, इससे बाहर करंट निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाले तार तो देख रहे हैं आप, ये येलो और रेड कलर की पट्टी है, ये डायरेक्टली सेल्फ स्विच से आया, जब सेल्फ बटन दबाते तो इसमें करंट आता है, तो उससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ये वाला आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड, ये है माइक्रो रिले, जो उस तरह मैंने आपको दिखाया था, ये उस वहाँ से आया हुआ है, और ये क्लच स्विच और न्यूट्रल स्विच से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, इसमें अर्थ आता है और इस वाले वायर से गाड़ी स्टार्ट होती है। जब सेल्फ मारते हो तो करंट आता है, तो गाड़ी का सेल्फ जो है वो लग जाता है, और ये जो वायर है इससे करंट आता है, तो उससे रिले वर्क करता है, और इस वाले वायर से ये बाहर जाता है करंट, ठीक है, जो बॉडी में सप्लाई होती है करंट की, ठीक है। तो ये जो वायर है ये डायरेक्टली आ गया है इस वाले फ्यूज में, और यहीं से इसमें दो तार हैं, तो यहीं से एक तार चला गया चाबी स्विच में, और जो इसका ये वाला एक वायर देख रहे हो पतला रेड और वाइट, ये गया डायरेक्टली मीटर के अंदर, ठीक है। तो ये मीटर में चला गया, और जो दूसरा वाला वायर आप देख रहे हैं ये है रेड और ब्लैक। इसमें क्या होता कि इस वाले वायर जो ये वाला वायर है ये एक चाबी स्विच के अंदर गया है आउटपुट, रेड कलर का वायर, रेड कलर का जो वायर है उसमें
वो चाबी स्विच में गया है करंट, और चाबी स्विच से जब करंट निकलता है वापस चाबी ऑन करने के बाद, तो इस वाले वायर में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर की पट्टी है, तो इस वाले वायर में करंट आता है, ठीक है। जब इस वाले वायर में करंट आता है तो इस यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है 15 एम्पीयर का, तो इस फ्यूज की जरिए इस वाले वायर से ब्लैक वाले वायर में आ जाता है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो डायरेक्टली चला गया मीटर के अंदर, फिर वापस तो मीटर के अंदर चला गया। तो उससे क्या होता है कि मीटर की जो सप्लाई है अंदर की वो काम करती है, ठीक है। तो ये तार मैंने आपको बता दिया, और ये जो वायर आप देख रहे हो रेड और ब्लैक, ये डायरेक्टली CDI में भी आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, देख रहे हैं CDI में, हाँ ये CDI में आया हुआ है। चाबी स्विच जब ऑन करते हैं तो इसमें और यहाँ पे दोनों जगह करंट आता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है, और आप ये RR यूनिट लगा हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एक बॉडी अर्थ है, ग्रीन कलर का वायर है, यहाँ पे टाइट है बॉडी अर्थ। उसके बाद इस कपलर में चार तार हैं, चारों तारे के बारे में बता देते हैं। RR यूनिट का सॉकेट है 4 पिन का, तो इसमें 4 वायर हैं। तो एक जो रेड कलर का वायर देख रहे हैं ये डायरेक्टली बैटरी से इसमें आ गया है, तो ये इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, तो इसके अंदर चार्जर के अंदर करंट चला जाता है 12 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद जो एक ग्रीन कलर का वायर देख रहे हैं इसमें अर्थ आता है, ग्रीन बॉडी अर्थ होता है, तो बॉडी अर्थ से आपका जो ग्रीन है वो ग्रीन RR यूनिट में चला आता है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाइट कलर का वायर देख रहे हैं ये कॉइल प्लेट से डायरेक्टली आया हुआ है, इसके अंदर जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसमें करंट आता है, और इस करंट से जो करंट वापस निकलता है वो इस वाले वायर में जाता है। येलो कलर का जो वायर है इससे बाहर निकलता है करंट, लाइट में जाता है, लाइट वाले स्विच में, वहाँ से जो है लाइट गाड़ी की ऑन हो जाती है। और यही वाला जो रेड कलर का वायर है इसी से वापस करंट बैटरी पे भी जाता है, बैटरी भी चार्ज होती है इसी से, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद ये जो 6 तार का सॉकेट है इसके अंदर जो वायर है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए ग्रीन और येलो कलर का जो वायर है ये है बैक लाइट का, जब आप ब्रेक दबाते हो आगे की या पीछे की तो इसके अंदर करंट आता है 12 वोल्ट का, तो उससे क्या होती है गाड़ी में करंट जब लाइट में चला आता है ब्रेक दबाते तो इसमें करंट आता है, तो उससे लाइट आपकी जो पीछे वाली है वो जल जाती है, टेल लाइट जो होती है। उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का वायर देख रहे हैं ये बॉडी अर्थ है, यहाँ इसको अर्थ मिल जाता है और इस वाले वायर से करंट मिल जाता है, तो क्या होता है कि गाड़ी की जो लाइट है बैक लाइट वो ऑन हो जाती है, जलने लगती है, ठीक है ब्रेक दबाने पर। उसके बाद जो ये चॉकलेटी कलर का वायर देख रहे हैं इस वाले वायर में जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और लाइट ऑन करते हैं तब इसमें करंट आता है, और यहाँ से जो ग्रीन वाला इससे अर्थ मिलता है तो क्या होता है बैक लाइट आपकी जल जाती है जब आप लाइट जलाते हो तब, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऑरेंज कलर का एक वायर है ये, तो ये इंडिकेटर का वायर है, जब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलाते हैं तो ऑरेंज कलर के वायर में करंट आता है, तो उससे आपका पीछे का और आगे का इंडिकेटर जल जाता है, ये वायर दोनों जगह इंडिकेटर में गया है लेफ्ट साइड में। उसके बाद जो दूसरा वाला वायर है वो राइट साइड इंडिकेटर का है, तो जब आप राइट साइड का इंडिकेटर जलाते हैं तो इस वाले वायर में करंट आता है और इसके बाद इंडिकेटर आपके जल जाते हैं। तो इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, और किसी प्रकार का कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझको कोई दिक्कत हो तो। ये देखिए ST कॉइल है, और ST कॉइल में 2 वायर आए हुए हैं, एक ये ग्रीन कलर का वायर है ये अर्थ है, और दूसरा जो वायर है ये ब्लैक और येलो होता है। तो ये है ST कॉइल का करंट वाला वायर, तो CDI में डायरेक्टली ये गया हुआ है, CDI से इसमें करंट आता है और गाड़ी इसी से फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये ST कॉइल का वायर हो गया। तो मैंने जो पीछे की जितनी भी वायरिंग है उसके बारे में बता दिया है, अब जो आगे जो वायरिंग है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। तो देखिए जो ये वाला ये है जो राइट साइड स्विच है उसका ये कपलर है, उसके ये 2 कपलर हैं, 1 4 तार का 1 2 तार का। तो इसमें जो ये वाला देख रहे हैं 2 तार का कपलर है जो इसमें एक, तो देखिए ब्लैक वाला जो तार है इसमें ये ब्लैक कलर का वायर है, तो इसमें करंट जाता है 12 वोल्ट का ब्रेक स्विच के अंदर, ठीक है ब्रेक स्विच के अंदर, और सेल्फ बटन में भी यही इसी वायर से करंट जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब इस वाले वायर से करंट ब्रेक स्विच के अंदर जाता है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो इस वाले वायर से बाहर निकल करके बैकलाइट में चला जाता है, जब ब्रेक लगाते हो तो इससे करंट बैकलाइट में चला जाता है, तो उससे बैकलाइट आपकी जल जाती है। और ये तार जो है ग्रीन और येलो कलर का, एक और सॉकेट है 4 तार का, इसके जो तार 4 तार हैं इसके बारे में आपको बताते हैं एक एक करके। तो देखिए एक ये तार जो है
येलो कलर का जो वायर है इसमें करंट आता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो आरआर यूनिट से जो वायर येलो कलर की निकल रही है, मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये करंट है जब गाड़ी स्टार्ट होती, तो इसमें आरआर यूनिट से करंट इस वायर के अंदर आता है और इसके थ्रू स्विच में चला जाता है, लाइट स्विच के अंदर। ठीक, जब आप लाइट ऑन करते हो तो इस वाले वायर से करंट बाहर निकलता है, और लेफ्ट साइड जो स्विच लगा होता है उस वाले वायर में इस तार से करंट चला जाता है, उससे क्या होता है कि गाड़ी की लाइट जो है हेडलाइट वो जल जाती है, और उसके बाद ठीक है, तो ये दो तार लाइट के हो गए। अब ये तार, इस तार के बारे में आपको बता देते हैं, तो देखिए जो ये वाला वायर है ये मैंने आपको सेल्फ रिले में दिखाया था, रेड येलो और रेड कलर का वायर, तो जब आप सेल्फ आपकी गाड़ी का लगता है वो इसी से लगता है। तो देखिए जो ये आपका ब्लैक कलर का वायर है, ये ब्लैक कलर का वायर एक तो इससे ब्रेक स्विच में भी गया हुआ, और इसका एक वायर 20 से यहाँ से अंदर से वायरिंग से सेल्फ स्विच के अंदर भी चला गया है। जब आप सेल्फ बटन दबाते हो तो इस वाले वायर में करंट वापस निकलता है और डायरेक्टली सेल्फ रिले में चला जाता है, तो उससे क्या होता है गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो वायर मैंने आपको बताया था, ये मैंने वायर बताया था जब आप गाड़ी को स्टार्ट करके आप पार्किंग लाइट जलाते हो, ये जो खांची खटका है, दो खटके हैं इसमें, एक खटका जब आप एक बार ऑन करते हो तो जो आपकी बैक लाइट पार्किंग लाइट जलती है वो इस वाले वायर से जलती है, इसमें इससे करंट आपका जो बैक लाइट में है चला जाता है, उससे आपकी गाड़ी की जो बैक लाइट है वो जल जाती है। ठीक है, तो ये चार तार मैंने आपको बता दिए किसका क्या काम है, ये आप समझ गए होंगे, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। तो देखिए ये है फ्लैशर, इसमें देखिए दो तार हैं, एक है ग्रे कलर का और एक है ब्लैक कलर का, तो इस वाले वायर में जब चाबी ऑन करते हैं तो करंट आता है 12 वोल्ट का और वो फ्लैशर के अंदर चला जाता है, और उसके बाद जब आउटपुट निकलता है वो इस वाले वायर से ग्रे कलर के वायर से निकलता है, और ये डायरेक्ट चला गया है इंडिकेटर स्विच में। ठीक है, तो इंडिकेटर स्विच में जब चला गया है उसी से इंडिकेटर जलते हैं, इसके अंदर करंट पहुँच जाता है जब चाबी ऑन करते हो, तो इससे अंदर जाता है और उसके बाद जब आउटपुट करंट निकलता है वो इससे निकलता है, तो ये डायरेक्टली इंडिकेटर स्विच में चला गया है। ठीक है, अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो इधर की वायरिंग हो गई पूरी, अब इस वाले जो इधर तार हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था लाइट स्विच में कि जब आप लाइट का स्विच ऑन करते हो तो इस वाले वायर से जो आपकी ब्लू और वाइट है इसमें करंट आता है, तो ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड स्विच में चला जाता है, जो डीपर स्विच इसको बोलते हैं, तो उसमें चला जाता है, उसके बाद जो है आप अपर डीपर करते हो तो करंट जो है बाहर निकलता है इस वाले वायर से। देखिए एक ये जो ब्लू वाला है ये हाई बीम का है, और जो वाइट वाला है ये लो बीम का है, तो इस वाले वायर से करंट जाता है स्विच के अंदर, जब आप अपर डीपर करते हो तो करंट एक्सचेंज होता रहता है इन दोनों वायर में, जब आप हाई बीम जलाते हो तो इस वाले वायर में करंट आता है, जब लो बीम जलाते हो तो इस वाले वायर में करंट आता है। ठीक है, तीनों तारों की इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको दे दी लाइट स्विच की। उसके बाद ये देखिए जो ग्रीन कलर का वायर है ये अर्थ वायर है, और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था जो सेल्फ रिले में गया हुआ, यही वाला तार एक यहाँ पर भी आया हुआ है माइक्रो रिले से, और सेल्फ स्विच, ये सारा वायर जो है एक ही कनेक्शन रहता है इसमें, ये सेल्फ का अर्थ के लिए होता है, तो ये गया है डायरेक्टली क्लच स्विच में। ठीक है, यहाँ पे क्लच स्विच लगा हुआ है, यहाँ देखो, तो यहाँ ये क्लच स्विच लगा हुआ है, इसमें गया हुआ है, उसके बाद जब क्लच दबाते हो तो दूसरे वायर से करंट वापस उसके अंदर जाता है, ये यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ से करंट इसके अंदर जाता है वापस। हाँ, तो ये कपलर जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद ये जो दो तार का कपलर है इसमें देखिए, एक ये ग्रे कलर है, ये है आपका फ्लैशर का, ये फ्लैशर देख रहे हैं, यहाँ से करंट इसमें आया हुआ, यहाँ से फिर इस स्विच के अंदर चला जाता है, तो स्विच के अंदर जब जाता है तब आप इंडिकेटर जलाते हो तो उससे इंडिकेटर जल जाते हैं। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड के जलाते हो तब ऑरेंज कलर के वायर में करंट आता है, जब राइट साइड के जलाते हो तो इस वाले वायर में करंट आता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब इसमें ये वायर बचे हैं दो, तो एक वायर जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये करंट का वायर है, ये हारन का वायर है, इसके अंदर जब आप बटन दबाते हो तो इसके अंदर हारन का वायर है, तो उससे हारन बचता है, उसके हारन के लिए गया हुआ है ये। ठीक है, और ये इंडिकेटर का मैंने आपको बता ही दिया, तो ये तार इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब ये लगा देते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हैं हमारे पास रिले होती है, पासिंग रिले,
ये उसके लिए तार आए हुए हैं। तो एक वायर इसमें अर्थ का है और एक है हाई बीम का और एक ये करंट का है। और उसके बाद ये दो तार और हैं जो कि स्विच से आए हुए हैं। जब आप पास लगाते हो तो स्विच वाली जो ये पास वाली स्विच है, पास वाला जो स्विच है वहाँ से ये करंट, वहाँ से ये तार आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तार ये हो गया इसका। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सब जो तार हैं इसके बारे में बता दिया। और एक कबलर ये रह गया है, देखिए ये मीटर सेंसर का है, जो सेंसर लगा हुआ था मीटर वाला उसका वायर है ये। तो एक रेड है, एक वाइट है और एक ये ब्लैक, ब्लू और ब्लैक है। ये डायरेक्टली मीटर के अंदर आए हुए हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए आप। तो देखिए जो रेड कलर का वायर है ये डायरेक्टली आया हुआ है यहाँ से, जो मीटर सेंसर है स्पीड सेंसर वहाँ से, वहाँ का इसका तार है ये। उसके बाद वाइट वाला तार है ये भी मीटर के अंदर आया है, मीटर को चलाने के लिए ये तार होते हैं। तो उसके बाद ये ब्लू और ब्लैक है वो भी मीटर के अंदर आया हुआ है। तो ये तीन तार हो गए इसके। उसके बाद ये वायर देखिए, जब आप लाइट जलाते हो तो इसके अंदर जो वन खांचा जलता है, वह पार्किंग जब जाते हो तो इसके अंदर करंट आता है, तो उससे मीटर की लाइट ऑन हो जाती है। जब आप लाइट जलाते हो तो इसी से करंट आता है इसके अंदर। ठीक है, तो मीटर के अंदर जो लाइट जलती है वो इससे जलती है। उसके बाद ये वाला वायर जो ये ग्रीन हो गया बॉडी अर्थ है। उसके बाद ये एक वाइट और येलो है, ये वाला हो गया आपका फ्यूल मीटर का है, जो फ्यूल टैंक से आया हुआ है, टैंक यूनिट में, जो टैंक में फ्यूल यूनिट लगा हुआ है वहाँ से ये तार आया हुआ है, उसका तार है ये। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये वाला जो वायर है ये न्यूट्रल स्विच का है, और ये वाला जो वायर है ये इंडिकेटर का है, और एक वायर ये इस साइड लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, ये भी इंडिकेटर का है। उसके बाद ये ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं, ये हाई बीम लाइट का है। ठीक है, हाई बीम लाइट इससे जलती है। और एक तार ये रह गया है ये वाला। तो ये मैंने आपको जब दिखाया था उतने समय कि फ्यूज से वापस आया हुआ, जो 15 एम्पीयर का फ्यूज होता है वहाँ से ये वायर आया हुआ है डायरेक्ट मीटर के अंदर। तो जब आप चाबी ऑन करते हो तो इसके अंदर जो आपका ये वाला वायर है, कहाँ गया, जो ये चाबी स्विच का वायर है रेड और ब्लैक, इससे करंट निकलता है बाहर और डायरेक्टली 15 एम्पीयर का फ्यूज जो लगा हुआ सीट के नीचे उसके अंदर जाता है, और उससे फिर रेड और वाइट तार में कन्वर्ट होकर के इसमें आता है। उसके बाद मीटर जलता है, मीटर की लाइट वगैरह जो जलती है, मीटर में जो फंक्शन है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये मीटर के हमने आपको जो वायर हैं उसके बारे में बता दिया है। तो अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सारे तार मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर कुछ आपको लगे कि कुछ छूट गया है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पेज पहुंच जाएंगे, उसको फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो और किसी प्रकार की कोई आपको जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसके आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जो मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।